2008 का ओलंपिक्स चाइना के अंदर हुआ था, जिसको बीजिंग ओलंपिक्स के नाम से भी हम जानते हैं। और यहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी में एक पैट्रियोटिक सॉन्ग गाया गया था एक 9 साल की लड़की द्वारा, जो कुछ इस तरीके का था। तो अभी आपको ये सुनने और देखने में बहुत अच्छा लग रहा होगा कि 9 साल की लड़की ने क्या कमाल गाया और कितनी बढ़िया आवाज़ है, लेकिन इसकी रियलिटी है कि ये लड़की सिर्फ लिपसिंग कर रही थी। और इसको जिसने गाया है वो ये लड़की है, और इसी के साथ साथ इसकी उम्र करीबन 7 साल की, और ये बैक स्टेज में गा रही थी और ये सामने वाली लड़की जो स्टेज में थी वो लिपसिंग कर रही थी। ऑफिशियल्स का मानना था कि ये लड़की जिसने गाया है असल में वो इतनी ज़्यादा क्यूट नहीं दिखती थी, वो इतनी ज़्यादा गुड लुकिंग नहीं थी, जिसकी वजह से चाइना की इमेज डाउन हो जाती, जिस वजह से हमने इसको स्टेज पर नहीं गवाया और दूसरी लड़की को लिपसिंग के लिए बुला लिया था। तो इससे मालूम चल जाता है कि चाइना तो अपनों का नहीं है, दूसरों का क्या होगा। वेलकम टू अमेजिंग रैंडम फैक्ट, मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूं आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। हूटर्स एक अमेरिकन रेस्टोरेंट की कंपनी है, जिन्होंने एक कॉम्पिटिशन रखा था अपने एम्प्लॉयज के लिए कि जीतने वाले को हम टोयोटा कार देंगे। लेकिन जब एक वेटरेस जीत गई थी उस कंपटीशन को, तो उसके बाद में उसको पता है क्या पकड़ा दिया था, टोयोडा। मतलब इसको अगर बुलाओगे आप टोयोडा, तो टोयोटा के जैसा ही साउंड करता है, जिसके बाद में उसको कहा कि हम तो प्रैंक कर रहे थे तो तुम ये टॉय पकड़ लो, जिसके बाद में उसने हूटर्स रेस्टोरेंट पे लॉ सूट फाइल कर दिया था, जिसके बाद में उसने इतने पैसे जीत लिए थे उस लॉ सूट के अंदर कि वो टोयोटा की क्या फरारी की भी कोई भी कार खरीद लेती। ऑर्गन एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट का भी नाम होता है, जो कि कुछ इस तरीके का दिखता है, और एक सी ऑर्गन भी होता है जो कि आपको कोस्ट ऑफ क्रोश के अंदर मिल जाएगा अगर आप वहां पे जाओगे। वहां पर ये करीबन 230 फुट लंबा है, इसको एक आर्किटेक्ट निकोला बेसिक ने बनाया है, और इसके अंदर करीबन 35 ट्यूब्स हैं, जिससे जब समुद्र की लहरें टकराती हैं तो एक अलग ही टाइप का म्यूजिक क्रिएट हो जाता है। आपने बहुत सी कमाल की चेयर्स देखी होंगी, लेकिन इस टाइप की चेयर नहीं देखी होगी। इसको दरअसल स्टोरी टाइम चेयर बोला जाता है, जिसको डिजाइन किया था हेल टेरर ने, जिस पर बच्चे भी बैठ सकते हैं और जो स्टोरी सुना रहा है वो भी आराम से बैठकर सभी को स्टोरी सुना पाता है। ये ट्री तो आपने देखी होगी, इसको पाम ट्री भी बुलाया जाता है। अक्सर ये काफ़ी लंबी चौड़ी होती है, इस पर चढ़ना काफ़ी ज़्यादा आसान नहीं रहता है, इस पर काफ़ी माहिर लोग ही चढ़ पाते हैं। लेकिन अगर आपको दुनिया की सबसे लंबी पाम ट्रीज देखनी है, तो आपको जाना पड़ेगा कोलंबिया के लॉस नेवादोस नेशनल नेचुरल पार्क के अंदर, जहाँ पर दुनिया की सबसे ऊँची पाम ट्रीज आपको देखने को मिल जाया करेगी। और 200 फीट तो यहाँ पर एवरेज हाइट है पाम ट्रीज की, और इस जंगल को वर्ल्ड टॉलेस्ट पाम ट्री जंगल भी बुलाया जाता है। 19th सेंचुरी के वक्त में सॉसेज को ये माना जाता था कि ये डॉग मीट से बनाया जाता है, ऐसा लोगों का बिलीफ था, जिसकी वजह से इसका नाम हॉट डॉग पड़ गया था। 80s-90s के वक्त में डोमिनोज ने एक गारंटी दी थी कि हम 30 मिनट में डिलीवरी करेंगे आपके पिज्ज़ा वगैरह जो भी मंगवाते हो आप, जिसकी वजह से उनके एम्प्लॉयज़ की मौत और भी ज़्यादा हो गई थी कार क्रैशेज में, और उनकी जो डेथ रेट थी वो उतनी ही हो गई थी जितनी माइनर्स की और इसी के साथ साथ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की हुआ करती थी। आपको मालूम है एक खास तरीके की सर्जरी भी होती है, जिसमें ब्राउन आइज वाले लोगों की आंखें ब्लू में बदल दी जाती है। दरअसल कहा जाता है कि जिनकी आंखें ब्राउन होती है उनकी आंखों के पीछे ब्लू रंग की परत भी होती है, जिसकी वजह से अगर ब्राउन को कट कर दिया जाए तो ब्लू दिखने लग जाता है। तो वही डॉक्टर किया करते हैं इस ट्रीटमेंट के दौरान। 2016 में 43 मिलियन गैलन मिल्क को ऐसे ही बहा दिया था अमेरिकन डेयरी फार्मर्स ने, क्योंकि उस वक्त में लोग एलमंड मिल्क और कोकोनट मिल्क की तरफ ज़्यादा रुख कर रहे थे कि इसको पियेंगे हम तो गाय के भैंस के दूध को नहीं पियेंगे। और ये जो बहाया गया मिल्क था ये इतना ज़्यादा था कि इससे करीबन 66 ओलंपिक साइज के स्विमिंग पूल आराम से भरे जा सकते थे। आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि जब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था वर्ल्ड वॉर टू में, तो सोवियत यूनियन के बेवड़ों ने इतनी ज़्यादा पार्टी करी थी, इतनी ज़्यादा दारू वारू पी ली थी कि मॉस्को में वोडका की एक बूंद नहीं बची थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी। सो दैट्स इट दोस्तों, अमेजिंग रैंडम फैक्ट्स की इस वीडियो में इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, और इसी के साथ साथ इसी टाइप की और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने वीडियो डाली भी है।